और शिवम व्लॉग का कंटेंट दे, कंटेंट दे भाई, कंटेंट दे, व्लॉग बन रहा है और क्या। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। एंड हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अंजुना। यहाँ से हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने का शुरू होता है। तो अंजुना पे मोस्टली मार्केट्स वगैरह तो ओपन दिखे मुझे। फ्ली मार्केट जैसा जो होता है वो फुल फ्लेज तो नहीं था, बट ठीक है, ओपन था। देन आगे बीच पर जाकर भी हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, वो सब पता करेंगे क्या चार्जेस चल रहे हैं, हो भी रही या नहीं हो रही। अभी तो दिख रहा है जैसे पैरासेलिंग एंड ऑल चल रही है, तो उनके बजट क्या रहता है, रेट क्या रहते हैं, वो सब देखेंगे। बनाना बोट राइड वगैरह भी दिख रही है, सब कर रहे हैं, तो लेट अस गो चेक इट आउट। तो हमने यहाँ रेट वगैरह पता करे, जो ऑप्टिमम होते हैं गोवा के रेट्स वैसे ही चल रहा है। थोड़ा स्टार्ट किया तो शायद आई थिंक अभी थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम पैलोलेम बीच पे या और जगह एक्सप्लोर करेंगे, और अभी पहले शांति से तसल्ली से सनसेट इन्जॉय करते हैं, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अंजुना लोग आते हैं सनसेट के लिए, तो पहले सनसेट इन्जॉय करेंगे, कुछ खाएँगे पियेंगे एंड देन लेट्स चेक इट आउट। और यहाँ पे थोड़े बहुत मतलब सनसेट के बाद माहौल बनने लगा था, एंड इन्होंने शैक्स यहाँ पर अंजुना पे मोस्टली अगर आप देखोगे तो पक्के वाले शैक्स हैं, मतलब शॉप्स वगैरह हैं। उस साइड से एंट्री होती है मेन साइड ऑफ रोड से, और बीच वाली साइड ये कुर्सियाँ वगैरह डाल देते हैं, ऐसे कैंडल लाइट टाइप्स कर देते हैं। तो यहाँ गाने वाने बजने चालू हो चुके हैं, अब थोड़ा माहौल सेट हो रहा है। थोड़े बहुत यहाँ पे शैक्स में लाइक डांसेस एंड परफॉर्मेंसेस वगैरह भी हो रहे थे। इट्स स्टिल अक्टूबर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा एक पर्सनलाइज्ड वाला बीच का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, और मोस्ट चीज 7 बज रहे हैं, 7-8 बज रहे हैं, है ना। हमारा जाएंगे और वहाँ का क्राउड देखेंगे। अभी तो सर खुला नहीं होता, और अगर आप उनकी वेबसाइट से बुक करते हो तो पर टिकट अराउंड 400 रुपीज ऑफ हो जाता है अगर कपल एंट्री है, और 500 रुपीज ऑफ हो जाता है अगर स्टैग एंट्री है। लेकिन पहले क्राउड चेक करना जरूरी है अगर भी लोग हैं नहीं है। तो अभी तो पूरी मार्केट ओपन हो गई है, और यहाँ पे ड्रीम कैचेस वगैरह भी मिलने लगे हैं, और बेसिकली बहुत तरीके के ड्रीम कैचर्स हैं एंड बहुत सारे, हाँ, एंड थोड़ा मतलब लाइक एस्थेटिक सामान, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, डायरीज है और कपड़े हैं, और कपड़े तो हर जगह ही मिलते हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम ही तरीके के। हाँ, और ये रही हमारी पार्किंग। नेक्स्ट डे सुबह उठ के हम आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए गुरु, द गुरु। लाइक यहाँ पे एम्बियंस अच्छा है, खाना अच्छा है, बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशंस एंड एवरीथिंग है। यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है अभी लाइक एक ब्रेड ऑमलेट, एक लाइक ऑमलेट टोस्ट एंड एवरीथिंग विथ सम जूसेस एंड ऑल। तो वो खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं व्यू, एंड फिर उसके बाद निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। Six and a half hours later. तो अभी हमने मीरामार आए हुए हैं, और हमारी बोट आ रही है, हमने टिकट ले लिया सारे। हम सारे लोग हैं, हेलो बोलो गाइस। अभी हम मीरामार आए हैं और हम जा रहे हैं बोटिंग पे। 350 के टिकट है जो हमने ले लिए, ये है हमारी टिकट। हम 5 लोग हैं तो हमारा 1750 हुआ,
और सर नाजपुर 5:30 पे जब तक 4:30 पे चलती है क्योंकि एक घंटे का टूर होता है, ऑलमोस्ट 6 बजे तक वो वापस आना होता है उनको। तो और इसमें हमें दिखाएंगे, साइट सीइंग दिखाएंगे 8 फेमस बॉलीवुड स्पॉट्स के साथ और भी चीज़ें वो इसमें नहीं लिखी है, मतलब डॉल्फिन वगैरह सब दिखाते हैं। ठीक है भाई, और हमारी बोट आ रही है उधर से, बोट इधर आनी थी लेकिन वो उधर ही आ चुकी है तो हम उधर जा रहे हैं अब। वहीं रुक नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, वो रही है बोट, वो आ चुकी है। लोग अभी तो उतरते हैं पहले, उसके बाद हम चढ़ेंगे, तो अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास। लेकिन अभी इस टाइम पे बहुत ही गंदा हो रखा है बीच, हमारे भैया इन्होंने ले लिया हमसे टिकट। ये 3 लड़के हैं। ओहो अंकित को देखो कितना स्मार्ट ही लग रहा है। तो इस बोट राइड पे हमें डॉल्फिन तो नहीं दिखी, बट और बाकी सारी जगह दिखी, जैसे कि जो जेल है वो दिखाते हैं, 2-3 स्पॉट्स दिखाते हैं जहाँ मूवीज़ की शूटिंग वगैरह हुई है एंड एवरीथिंग। और इसके बाद हम जा रहे हैं वापसी के लिए, कि जब आप वापसी को जाते हो तो ये गाने वाने प्ले कर देते हैं, म्यूज़िक वगैरह प्ले कर देते हैं, चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है अवेलेबल, आप ख़रीद सकते हो उनसे ऑलरेडी, एंड एक सुंदर सा सनसेट इन्जॉय करते हुए वापस पहुँच सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ब्लॉग एंड मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। शायद हम कल जाएंगे बैलोलिम एंड वहाँ कुछ करेंगे एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि साउथ के बीचेस बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं और भी ज़्यादा सुंदर होते हैं। यहाँ पे तो थोड़े बहुत बीचेस आपको गंदे भी मिलते हैं नॉर्थ साइड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।